हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल धृति होम साइंस टीजीटी पीजीटी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हो कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए तो आज की क्लास हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे बाल अध्ययन की विधियाँ, जिसमें हम लोगों ने मुख्य रूप से दो प्रणालियों का अध्ययन किया जाता है। एक समकालीन अध्ययन विधि था और एक दीर्घकालीन अध्ययन विधि। इसके अतिरिक्त हम लोग कुछ अन्य विधियों को पढ़ रहे थे जो बाल अध्ययन था, जिसमें हम लोगों ने साक्षात्कार विधि तक संक्षेप में पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि क्या है? प्रश्नावली विधि के अंतर्गत जो अध्ययन करता रहता है वो संक्षिप्त प्रश्नों की एक प्रश्नावली तैयार करता है और उसे किसी बालक या बालकों के जो समूह होते हैं उसको दे दिया जाता है। फिर उसके उत्तरों को इकट्ठा करके उस पर अध्ययन किया जाता है और एक जो उसी निष्कर्ष के आधार पर सामान्यीकरण किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए हम कक्षा एक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि कक्षा एक के क्लास में जितने भी बच्चे हैं, 20 के 20 बच्चे अगर हैं, तो वो सभी 2-3 से 4 साल की उम्र के ही हो। कुछ बच्चे उसमें 3 साल के भी हो सकते हैं, कुछ 4 और कुछ 5 साल के, ठीक है। यानी कि मतलब विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों का एक समूह, ठीक है, उसमें कुछ प्रश्नों की सूची तैयार की जाती है और उन्हें दे दिया जाता है हल करने के लिए। फिर और उसमें क्वेश्चन बच्चों के ही अनुरूप, क्योंकि ये बाल अध्ययन है तो बच्चों के अनुरूप ही प्रश्नों की सूची तैयार करेंगे, जो कि छोटे छोटे होंगे और इंटरेस्टिंग होंगे। जैसे मान लीजिए खेल कि आपको खेल कौन सा पसंद है, रंग कौन सा पसंद है, घूमने की जगह कौन सी पसंद है, और इसी टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन 10-5 क्वेश्चन बना लिए जाते हैं और वो बच्चों को दे दिया जाता है हल करने के लिए। फिर जो उत्तर हमें मिलता है तो उस पर अध्ययन किया जाता है और देखा जाता है कि कौन से उत्तर को बच्चे एक समान दे रहे हैं, तो उसी के आधार पर सामान्यीकरण करके ये प्रश्नावली विधि द्वारा अध्ययन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सांख्यिकी विधि। यह मनोविज्ञान की आधुनिक प्रचलित विधि है और यह शिक्षा मनोविज्ञान में किसी भी समस्या को हल करने के लिए किया जाता है और इसमें विश्वसनीयता की जांच की जाती है। यानी कि जो सांख्यिकी विधि है यह आधुनिक समय में सबसे ज़्यादा प्रचलित है और इसके आधार पर शिक्षा मनोविज्ञान में बच्चों किसी भी बच्चों के समस्याओं को ले लिया जाता है और उस पर अध्ययन किया जाता है, तो ये सांख्यिकी विधि कहलाती है, ठीक है। व्यक्ति इतिहास विधि। इस विधि के अंतर्गत व्यक्ति के गुण दोष तथा असमानताओं का अध्ययन किया जाता है और इस विधि में व्यक्ति का जो वर्तमान समय है उसमें भूतकाल परिस्थितियों का वर्णन किया जाता है। यानी कि कोई बच्चा अगर बहुत अच्छा है पढ़ाई में, खेलकूद में अथवा किसी भी क्षेत्र में, तो इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि उसका जो बीता हुआ समय है अथवा उसके जो आसपास के लोग रह रहे हैं वो बहुत अच्छे हों। इसी को इतिहास विधि, इतिहास का अर्थ ही हो जाता है कि जो बीत चुका है उसका अध्ययन करना। तो उसके पीछे अगर कोई बालक अच्छा है तो उसके पीछे क्या कारण है इसका अध्ययन किया जाता है। किसी कोई बालक बुरा कर्म कर रहा है, जैसे चोरी करना, मारपीट करना, तो उसका इतिहास जाना जाता है कि उसके परिवार के लोग कैसे हैं, आसपास के लोग कैसे हैं, कहीं वो गलत संगत में आकर के तो ऐसा नहीं हुआ है। तो यही होता है व्यक्ति इतिहास विधि। और यदि व्यक्ति जो बालक है वो समस्यात्मक है, जैसे कि मान लीजिए बोलने से संबंधित कुछ त्रुटियां होती हैं बच्चों के अंदर, कुछ बच्चे दृष्टि बाधित होते हैं, तो इसके पीछे भी उसका भूतकाल अथवा जो बीता हुआ कल है उसको देखा जाता है, उस पर अध्ययन किया जाता है। उसी के आधार पर ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि इसका जो अध्ययन करने की विधि है वो क्या रखा जाए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ बच्चे होते हैं जो कि अब नॉर्मल होते हैं और उनको एक विशेष शिक्षा दी जाती है, जैसे दृष्टि बाधित बच्चों के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है और उसके लिए अलग से विद्यालय का बनाया गया है जिसमें बच्चों को पढ़ाया जाता है। और भी बहुत सारे विद्यालय हैं
जहाँ पे जो बच्चे होते हैं अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, सही ढंग से अपना क्रियाकलाप नहीं कर पाते, तो उनके लिए विशेष स्कूल की व्यवस्था की गई है और वहाँ पे उन्हें एक एक चीज़ सिखाया जाता है। नेक्स्ट है उपचारात्मक विधि। ठीक है, इस विधि के अंतर्गत जो व्यक्ति अथवा जो बालक होता है उसके गुण दोष असमानताओं का अध्ययन करके और उसकी मनोदशाओं का अध्ययन किया जाता है, यानी कि जो इतिहास विधि में जाना जाता है उसके दो गुण दोष और असमानताओं का अध्ययन किया जाता है, उसी का उपचारात्मक विधि के माध्यम से उसकी मनोदशाओं को जान करके और उसका निराकरण किया जाता है, उपचार किया जाता है। नेक्स्ट है परीक्षण विधि। इसमें कई प्रकार की वस्तुनिष्ठ सूचनाएं दी जाती हैं जिसका परीक्षण करने के बाद प्राप्त परिणाम के आधार पर शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देश दिया जाता है, यानी कि इस जो परीक्षण विधि है इसमें जो वस्तुनिष्ठ यानी कि एकदम शुद्ध और उसी को आधार बिल्कुल सत्य आधार मान करके कुछ सूचनाएं प्राप्त की जाती है और उसी के आधार पर बच्चों के अंदर शैक्षिक एवं व्यवसायिक क्रियाएं विकसित की जाती हैं। ठीक है, और उसी के आधार पर उसको निर्देश किया जाता है। नेक्स्ट है मनोविश्लेषणात्मक विधि। जो मनोविश्लेषणात्मक विधि है इसके जन्मदाता सिगमंड फ्रायड को माना जाता है और इन्होंने बताया है कि इस विधि में व्यक्ति के मानसिक परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है, मतलब कि जो बालक है उसके मानसिक परिस्थितियों का पता लगा करके यह बताया जाता है कि आखिर वो किसी चीज़ में रुचि ले रहा है तो इसके पीछे क्या कारण है और किसी चीज़ को वो मतलब कि पसंद नहीं करता है तो उसके पीछे का भी कारण पता लगाया जाता है। तो कुल मिलाकर के इसमें बालक के मानसिक परिस्थितियों का पता लगाया जाता है, साथ ही उसकी इच्छाओं एवं जो व्यवहार है उसके बहिष्कार के पीछे भी क्या कारण है इसका पता लगाया जाता है। तो इन सभी अध्ययनों को के माध्यम से हम बाल अध्ययन करते हैं। ठीक है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर